दोस्तों आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज हम यहाँ पे क्लास 12 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। तो वही सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, तो आप लोग अच्छे से जिस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे को तैयार करते हुए चलो, याद करते हुए चलो साथ में। तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है भूगोल के जनक कौन थे, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इरास्टोस्थनीज, यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफी का बुक, जिससे सबसे पहले ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था। कौन, इरास्टोस्थनीज, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, भौगोलिक विचारधाराएं को कितने भागों में बांटा गया है, भौगोलिक विचारधाराएं को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो आपको बताए थे पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा क्या था संभववाद, और तीसरा क्या था नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किए थे, तो ग्रिफिथ टेलर ने। आपको ये सारी चीज़ हम आपको बताए हुए हैं। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था। अभी हम आपको बताए हैं ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ पे संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है, मतलब यहाँ पे उपक्षेत्र पूछ रहा है इसका, कौन सी ये जो उपक्षेत्र है इसमें किसका है, क्षेत्र किस क्षेत्र के अंदर आता है। संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल क्षेत्र के अंदर आता है, ये उपक्षेत्र है और किस क्षेत्र के अंदर में आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे आर्थिक भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक भूगोल के अंदर ये संसाधन भूगोल उपक्षेत्र जो है ये आता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये जो है क्षेत्र हो गया यहाँ पे, ये जो है क्षेत्र हो गया और ये जो हो गया उपक्षेत्र हो गया। तो इसमें से बोला जा रहा है कि किसका ये उपक्षेत्र है, तो आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सामाजिक भूगोल, इसके अंदर में ये आता है, चिकित्सा भूगोल आता है। तो ये आपको बोल दिए थे कि ये जो है क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन सा है ये आपको याद कर लेना है, तो एक बार देख लीजिएगा। और आगे यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को। अगला हम लोग यहाँ पे देखें, उससे पहले थोड़ा सा देख लो कि मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। क्या चीज़, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है, और इसके जनक कौन है, रेटजेल है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं क्या है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलर। आपको बताया भी थे ये जो है नव निश्चयवाद, इसका प्रतिपादन किसने किए थे, तो ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्टेंड रसल, ये जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी सैंपल, रेटजेल, यहाँ पे रेटजेल हो जाता। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हंटिंगसन, ये सब क्या है, ये सब मानव भूगोल से संबंधित है और ये सब परिभाषा भी दिए हैं मानव भूगोल के। और ये तो रेटजेल जो है ये तो जनक ही हो गए, फादर हो गया। उसके बाद अगला हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है, यह किसने कहा है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुमारी सैंपल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह कथन जो है कुमारी सैंपल के द्वारा ये जो है कहा गया है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा, कुमारी सिंपल ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है,
प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तकनीक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन मानव का मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है संभववाद, क्या है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, तो ये जो है दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो यहाँ पे सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर आप हमारे वो जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निश्चयवाद क्या है? तो यहाँ पे निश्चयवाद पूछ रहा है, जैसे कि आपको बताए थे यहाँ पे भौगोलिक विचारधाराएं का ये जो है पार्ट बताए थे कितने प्रकार के हैं, तो उसमें यहाँ पे निश्चयवाद भी आता था। तीन प्रकार होते हैं भौगोलिक विचारधाराएं का, तो पहला निश्चयवाद, दूसरा यहाँ पे बताए थे संभववाद, और तीसरा बताए थे नव निश्चयवाद। तो यहाँ पे पहला प्रकार के बारे में पूछ रहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसमें क्या हुआ था वो सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम चर्चा करें तो इसमें क्या था, मानव का प्राकृतिकरण। इसमें क्या होता था, मानव जो है प्रकृति से बहुत डरता था और प्रकृति का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जैसे अधिक वर्षा होता था तो लोग ईश्वर का प्रकोप मानते थे, अगर ज़्यादा बिजली कड़क रही है तो लोग इसको ईश्वर का नाराज़ होना मानते थे। तो यही सारी चीज़ जो है हम आपको ये चीज़ जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो ये सारा डिटेल आपको लिख देना है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तीन और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताएं। आपको पहले ही बताए थे इससे क्वेश्चंस आ सकती है, कि आपको बोला जाएगा कि मानव भूगोल और उसके कुछ उपक्षेत्र के नाम, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित करें, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन आ भी सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो आपके बोर्ड में आपके बुक में यही जो है मानव भूगोल को परिभाषित करें। और आपको बताए थे मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजेल। उसके बाद आपको बताए थे इसके कुछ परिभाषा बताए थे, चार पांच लेखक का चार पांच विद्वान जो है इसका अलग अलग परिभाषा दिए हैं, तो वो भी आपको बताए हुए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप बुक से भी देख सकते हैं इस चीज को, आपको बुक में भी मिल जाएगा। मानव भूगोल की अगर बात करें तो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन है, मतलब मानव और प्रकृति इसके बीच में जो भी संबंध है तो उसका अध्ययन जो करते हैं उसको मानव भूगोल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, इसमें क्या है, नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताए हुए हैं, नव निश्चयवाद क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने किए थे, तो ग्रिफिथ टेलर जी। इसमें वो क्या बोले थे, रुको और जाओ। इसका मतलब क्या था, जब मानव जो है विकसित होने लगा उस समय जो है अंधाधुंध पर्यावरण का यूज़ करने लगा, मतलब इसमें प्रकृति का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा अंधाधुंध, जिससे पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंची, जैसे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुआ, भूमंडलीय तापमान बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, अधिक पेड़ लोग काटने लगे, इस सबसे ये सारी दिक्कतें आने लगी, पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचने लगी। उसके बाद इसमें ग्रिफिथ टेलर ने एक नया जो है ये जो है विचारधारा लाई, जिसमें नव निश्चयवाद का नाम दिया इसका। तो इसमें वो यही सारी चीज़ बोले कि रुको और जाओ, मतलब कोई भी संसाधन का यूज़ उतना ही करो, उपयोग उतना ही करो जितना उसकी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक कुछ भी यूज़ मत करो, उपयोग मत करो, ताकि यहाँ पे ये पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकसित भी होते रहे मानव। तो ये चीज़ इसमें डिस्कस किए थे हम लोग, और ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें, मानव के प्रकृतिकरण। तो यहाँ पे मानव के प्रकृतिकरण किस में आपको पढ़ना था, कौन से विचारधारा में, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में हम आपको ये सारी चीज़ बताए थे। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दोनों में सेम आंसर आप लोग लिख सकते हैं, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। इसमें भी वही चीज़ लिख सकते हैं कि मानव जो है पहले अधिक वर्षा होने से ईश्वर का प्रकोप मानते थे, बिजली कड़कने से ईश्वर का नाराज होना मानते थे, उस समय जो है प्रकृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव था मानव पे। तो आप यही सारा डिटेल जो है अच्छे से इसमें लिख सकते हैं, और ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख लिए हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।